Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. In this video, we will be doing class 10th Algebra's 4th chapter, which is Financial Planning. So let's get started. So basically, ये पूरे chapter में financial planning जो भी last year पढ़ा था उसी का थोड़ा सा upgraded version है, लेकिन इसका सबसे पहला exercise जो है 4.1, उसमें GST के बारे में दिया है, GST के बारे में ही पूरा exercise है. तो समझ लेते GST है क्या. Short में GST short form है. GST का full form होता है Goods and Service Tax. तो ये Goods and Service Tax क्यों use हो रहा है, ठीक है. तो पहले GST के पहले बहुत सारे taxes होते थे, बहुत सारे टैक्स, अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे जो पे करने पड़ते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, VAT, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यहाँ पे बहुत सारे टैक्स होते थे. तो कैलकुलेशन के टाइम पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे. तो इस वजह से ये सारे टैक्स को हटा के एक सिंपल सा टैक्स लाया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब ये टैक्स के अंडर ये सारे टैक्स आ जाते, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो GST 1st of July 2017 से आया. इससे पहले 1st July 2017 से पहले ये बहुत सारे टाइप के टैक्स थे, बहुत सारे टाइप के. ये सारे टैक्स को हटाकर एक टैक्स लाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है. अब जीएसटी के सब टाइप्स दो होते हैं, ठीक है. जीएसटी दो टाइप्स के नहीं होते, जीएसटी के दो सब टाइप्स होते हैं, ठीक है. सब टाइप्स ऑफ जीएसटी दो सब टाइप्स होते हैं जीएसटी के. पहला है CGST, ठीक है, और दूसरा है SGST. अब ये क्या होता है पता है, CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है. और SGST का क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब सी लगा मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, ठीक है. तो जीएसटी के दो सब टाइप्स होते हैं, CGST और SGST. तो जीएसटी इन शॉर्ट क्या है, जीएसटी मतलब टैक्स होता है, ठीक है. अब जब ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जब टैक्स कलेक्ट हो जाता है, तब टैक्स किसको किसको देना है, ठीक है. टैक्स कलेक्ट होगा तो किसके पास जाएगा, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास. टैक्स कलेक्ट होने पर गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है. लेकिन देखो यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कि दो टाइप के गवर्नमेंट है, ठीक है. सपोज महाराष्ट्र से छोड़ो, टैक्स अगर कलेक्ट किया तो दो जगह पे जाएंगे, पहला है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट, ठीक है. अगर सपोज टैक्स कलेक्ट किया महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है. अगर महाराष्ट्र से टैक्स कलेक्ट किया तो जीएसटी जितना भी कलेक्ट किया उसका प्रॉपर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को. और जो बचा हुआ आधा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. मतलब अगर महाराष्ट्र के लोग जीएसटी भर रहे तो वो आधा जीएसटी जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जीएसटी जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है. समझा, जीएसटी के दो सब टाइप से, पहला है CGST, दूसरा है SGST. CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स एंड सर्विसेज, ठीक है. अब मैंने क्या बोला, जीएसटी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा CGST में और SGST में. मतलब जो पूरा GST आएगा, आधा GST जाएगा CGST को और आधा जाएगा SGST को. यहाँ से हम लोग का एक सिंपल सा और बेसिक सा फॉर्मूला क्रिएट होता है कि SGST. अब मैंने क्या बोला, देखो कितना पैसा जाएगा CGST और कितना CGST को जाएगा और कितना SGST को जाएगा, दोनों को इक्वली जाएगा. दोनों को जो भी अमाउंट होगा GST का, वो दोनों को इक्वली में डिवाइड होगा. तो CGST इज इक्वल्स टू SGST, ठीक है. कभी भी CGST और SGST दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. और CGST और जब मैं SGST को प्लस करूंगी, CGST विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों को मैं प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा GST, ठीक है. ये दोनों को प्लस करके मुझे क्या मिलेगा, GST. ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट, बहुत बेसिक सा था. अभी हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. सो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन, पवन मेडिकल क्या कर रहा है, मेडिसिन सप्लाई करता है, ठीक है. एक मेडिकल स्टोर का नाम है. ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ GST इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST. तो यहाँ पे बोला है कि पवन मेडिकल मेडिसिन सप्लाई करता है और कुछ मेडिसिन में रेट ऑफ GST का परसेंटेज में होगा. यहाँ पे तुम लोग जितना भी रेट ऑफ GST रेट ऑफ CGST दिख रहे हैं वो सब परसेंटेज में होगा.
तो द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का परसेंटेज है 12%, कितना है 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैंने क्या बोला था, जीएसटी दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगा, जीएसटी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पार्ट होगा सीजीएसटी और दूसरा होगा एसजीएसटी। अगर जीएसटी 12% का है तो सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी होगा 6%, एसजीएसटी कितना होगा, ये होगा 6%, ये 6%, ये 6%, टोटल हुआ 12%, ये दोनों को मिला के बनेगा जीएसटी। तो हम लोग को आंसर मिल गया, बट हम लोग को ऐसा नहीं लिखना है, हम लोग को स्टेप वाइज लिखना है। तो फर्स्ट सम के लिए रेट ऑफ जीएसटी क्या था, हम लोग का रेट ऑफ जीएसटी ऑन सम मेडिसिन कितना था, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी था 12%, कितना था 12%, ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम लोग को आइडिया है कि सीजीएसटी 6 है और एसजीएसटी भी 6 है, बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टेप वाइज लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। ये पता है सीजीएसटी जितना होगा एसजीएसटी भी उतना होगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, करेक्ट। सीजीएसटी और रेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, इक्वल होगा। रेट ऑफ, अब मेरे को ये बताओ, रेट ऑफ सीजीएसटी, अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीएसटी। तो मैं यही लिख रही हूँ, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीएसटी, ठीक है। मतलब सीजीएसटी और जीएसटी दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ कि रेट टू टाइम्स, अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल है, तो अगर मैं सीजीएसटी को एसजीएसटी लिखूंगी तो चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल है। तो अगर मैं सीजीएसटी के बदले एसजीएसटी लिखूं दो बार एसजीएसटी लिखूं तो चलेगा, ठीक है। तो टू टाइम्स रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी, करेक्ट, यही था। जीएसटी कितना था, जीएसटी था 12%, कितना था 12%, ठीक है। तो 2 रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ये साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 12/2, ठीक है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना आ रहा है, रेट ऑफ एसजीएसटी आ रहा है 6%, कितना आ रहा है 6%। अब भी हम लोग ने ऊपर देखा कि एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही इक्वल होते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 6%। यहाँ पे निकाल दिया, क्या फाइंड करना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, चार स्टेप्स का सम था, ठीक है, इजी था, लेकिन स्टेप करना है। तुम लोगों को पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6 से करके डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट सम हो गया, सेकेंड सम देखो, ऑन सर्टन आर्टिकल, एक पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है, इफ रेट ऑफ सीजीएसटी, देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी दिया है, जीएसटी नहीं दिया, सीजीएसटी, सीजीएसटी 9% है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो यहाँ पे बोला है कि एक सर्टन आर्टिकल में, एक आर्टिकल का रेट ऑफ, रेट सीजीएसटी 9% है, एक आर्टिकल का रेट, सीजीएसटी का रेट 9% है, तो एसजीएसटी का कितना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल होते हैं, इस वजह से एसजीएसटी कितना होगा, सेम 9%। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों को मैं प्लस करूं तो मुझे जीएसटी मिलेगा, तो अगर ये 9 है, ये 9 प्लस 9 18, तो जीएसटी कितना मिलेगा मुझे, 18%। इसको डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसको स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, रेट क्या दिया हम लोग को, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वी नो कि रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ सीजीएसटी किसको इक्वल होता है, रेट ऑफ जीएसटी को, रेट ऑफ एसजीएसटी को, ठीक है, एसजीएसटी को। देयरफॉर अगर रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है, रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है, तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, सेम 9%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी, तो 9%, मेरे को रेट ऑफ एसजीएसटी क्या मिला, देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज 9%, ठीक है। एसजीएसटी निकल गया, अब हम लोग को निकालना है जीएसटी, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यही है ना,
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी को ऐड करो तो जीएसटी बन जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे पता है 9%, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी अभी मैंने फाइंड किया 9%, तो कितना होगा टोटल 18%। देयरफॉर द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी था, हो गया। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, ठीक है। अभी तक तो ये जो फर्स्ट दो क्वेश्चन थे इजी थे, ओरली कर रहे थे, अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। एम एस रियल पेंट सोल्ड 2 tins ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज रुपीज 2,800। तो यहाँ पे बोला है ये कंपनी है जो दो टिन ऑफ लस्टर पेंट, पेंट के 2 tin को बेच दिया, ठीक है, क्या किया, सोल्ड किया एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, ठीक है, जब उन्होंने टिन को बेचा, बात समझो, जब उन्होंने टिन को बेचा तो एक टिन का प्राइस उन्होंने चार्ज किया 2,800, एक टिन का उन्होंने प्राइस कितना चार्ज किया 2,800, ठीक है। कितना टिन्स बेचा, 2 tins बेचा, एक टिन का प्राइस था 2,800, समझा। तो सबसे पहले हम लोग को 2 tin का प्राइस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 1 tin का प्राइस दे, हम लोग को 2 tin का प्राइस निकालना पड़ेगा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, रेट जीएसटी का रेट है 28%, जीएसटी का रेट है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पे क्लियरली देखना, यहाँ पे हम तुम लोग को फाइंड करने बोल रहे थे व्हाट इज द रेट, क्या बोल रहे थे, रेट, मैंने पहले भी बोला है रेट आया मतलब परसेंटेज, यहाँ पे क्लियरली बोला है फाइंड द अमाउंट, क्या बोला है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, पैसे कितना सीजीएसटी लग रहा है और कितना एसजीएसटी लग रहा है, कितना पैसा वो फाइंड करना है, ठीक है, रेट नहीं फाइंड करना है, रेट तो पता है 14, 28 का हाफ विच इज 14, तो 14 सीजीएसटी होगा, 14 एसजीएसटी होगा, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या फाइंड करना है वो देखेंगे और फिर सम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 tin ऑफ लस्टर पेंट। उसमें फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में एक कंपनी है, ठीक है, जिसने 2 tin ऑफ लस्टर पेंट बेचा, क्या किया उसने, 2 tin ऑफ लस्टर पेंट सोल्ड किया, ठीक है। फिर बोला है कि एक टिन 2,800 का था, एक टिन कितने का था, 2,800 का, उसने सोल्ड किया दो टिन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 tin ऑफ लस्टर इज रुपीज 2,800, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 tin ऑफ लस्टर पेंट कितना होगा, 2 into 2,800, तो लिख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 tin ऑफ लस्टर पेंट, ठीक है, ऑफ लस्टर पेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 2 into 2,800, कितना हो जाएगा 2 into 2,800, ये हो जाएगा 5,600 रुपीस, कितना हो जाएगा रुपीस 5,600। ये मैंने क्या निकाला, ये एक टिन का दिया हुआ था, मैंने अभी 2 tin का निकाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी दिया है, क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी है 28%, रेट ऑफ जीएसटी है 28%, ठीक है, और हम लोग को फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है, रेट नहीं फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी 28% दिया है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, रेट ऑफ सीजीएसटी होगा हाफ ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का हाफ होता है ना सीजीएसटी, जीएसटी कितना भी होगा उसका हाफ होगा सीजीएसटी, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना मिलेगा मुझे, हाफ ऑफ जीएसटी विच इज 14%। अब मुझे पता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी किसको इक्वल है, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल है रेट ऑफ एसजीएसटी को, करेक्ट, तो एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी भी कितना होगा 14%, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मिल गए, एसजीएसटी का रेट मिल गया और सीजीएसटी का भी रेट मिल गया, लेकिन हम लोग को रेंट नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों फाइंड करना है, अगर मुझे सीजीएसटी मिल गया तो एसजीएसटी भी उतना ही होगा, करेक्ट, सीजीएसटी जितना होगा एसजीएसटी भी उतना ही होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे पहले एक सीजीएसटी निकाल रही हूँ, सीजीएसटी मिल जाएगा तो मैं सिंपली बता दूंगी कि सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी चार्ज्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी चार्ज्ड कितना सीजीएसटी चार्ज हुआ, ठीक है, ये जो पैसा दिया ना 2,800 का एक टिन था, 2 tin 5,600 के, उसमें से सीजीएसटी कितना चार्ज किया, इसमें से सीजीएसटी कितना अमाउंट चार्ज किया, यही पूछा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी चार्ज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का रेट तो पता चलना चाहिए कि कितने परसेंट पे चार्ज किया है, तो कितने परसेंट पे किया है, 14%, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू
वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स का वैल्यू, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली ये स्टेप से करोगे चलेगा। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 14%, तो 14/100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू, कितना गुड्स का वैल्यू कितना था 5600। अब देखो ये गलती नहीं करना, एक टिन का लेकर, उसने एक टिन का सीजीएसटी नहीं पूछा है, उसने दो टिन का सीजीएसटी पूछा है, एक टिन नहीं, उसने दो टिन को बेचा तो उसको सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा वो पूछा है, तो दो टिन का है 5600, ठीक है। यहाँ पे ये 0000 कैंसिल, 56 × 14 हो जाएगा ₹784, मैंने कैलकुलेट किया, मुझे मिला ₹784। तो सीजीएसटी कितना मिला दो टिन्स पे सीजीएसटी मिला 784। हम लोग का क्वेश्चन था सीजीएसटी फाइंड करो और साथ ही साथ एसजीएसटी भी फाइंड करो, क्या करो, सीजीएसटी का अमाउंट फाइंड करो और एसजीएसटी का भी अमाउंट फाइंड करो। अब मुझे पता है कि अमाउंट, मेरे को पता है सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा सेम रुपीज 784। अब देखो यहाँ पे ये सम्स करने के टाइम ये रुपीस वाला साइन मत भूल जाना, क्योंकि सब जगह पे ये यूनिट, ये रुपीस का साइन डालना इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो एक रिस्ट वॉच बेल्ट की टैक्सेबल वैल्यू, उसका वैल्यू है 586 रुपीज का टैक्सेबल वैल्यू है उसका। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, उसमें जीएसटी कितने का लग रहा है, जीएसटी लग रहा है 18% का, ठीक है, वो रिस्ट वॉच का वैल्यू है 586, उस पर जीएसटी लग रहा है 18% का, ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच का टैक्सेबल वैल्यू 586 रुपीज़ है, ठीक है, 586 रुपीज़ का भी वो रिस्ट वॉच बेल्ट है, ठीक है, फिर उस पर रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 18% का, उस पर रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 18% का। ये प्राइस पे 18% का अगर मैंने जीएसटी लगाया और फिर कस्टमर को बेचा, तो वो बेल्ट कितने की पड़ेगी कस्टमर को, वो बेल्ट कस्टमर को कितने की पड़ेगी वो पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी दो टिन बेच दिए थे, दो टिन पेंट के उसने क्या किया था, बेच दिया था, दो टिन पेंट के उसने बेच दिया था 2800 में, ठीक है, जब उसने बेच दिया तभी ही उसने जीएसटी भी पे कर दिया, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को सिर्फ रेट ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी फाइंड करने बोला था। यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे बोला है कि 586 रुपीस का बेल्ट है, ठीक है, फिर उस पर हम लोग को 18% का जीएसटी भी पे करना है, तो कस्टमर को कितने की पड़ेगी बेल्ट, तो कितने की पड़ेगी ये अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, और प्लस टैक्स, और प्लस टैक्स, टैक्स और ये अमाउंट को पे कर देंगे तो कस्टमर को, कस्टमर का बेल्ट का प्राइस पता चल जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग को जीएसटी का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीएसटी का अमाउंट, यहाँ पे रेट दिया है ना, हम लोग को फाइंड करना अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच कितना है रुपीज 586 का है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी है 18%, रेट ऑफ जीएसटी है 18%, ठीक है। फिर हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि वो कस्टमर को कितने में रिस्ट वॉच बिकेगी, तो कितना उसको 586 भी भरना पड़ेगा, ठीक है, वो वैल्यू है वॉच का, ठीक है, और साथ ही टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड करना है, मतलब हम लोग को जीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है, जीएसटी हम लोग का टैक्स है, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अमाउंट के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, रेट ऑफ जीएसटी विच इज 18% इनटू ये वॉच का प्राइस ना 586, ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मुझे आंसर मिलेगा 105.48 रुपीस, क्या मिलेगा 105.48 रुपीस, कितना मिलेगा मुझे 105.48 रुपीस, ठीक है, ये मुझे जीएसटी मिला, ये मुझे जीएसटी मिला। कुछ बच्चे यहीं पे खुश होकर सम छोड़ देंगे कि हो गया सम, हो गया खत्म, ठीक है, नहीं, हम लोग को फाइंड करना है कि प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर कितना होगा, तो प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर कितना होगा, कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ेगा ये बेल्ट को खरीदने के लिए, पहले तो उसका ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जो भी कॉस्ट है रिस्ट वॉच का 586 प्लस टैक्स, करेक्ट, ये हम लोग के पास प्राइस है और टैक्स भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे प्राइस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5
86 प्लस 105.48, ये दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 691.48 रुपीज़। ठीक है, देफो लास्ट का स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को लिखना है कि देफो द प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट फॉर द कस्टमर विल बी रुपीज़ 691.48 रुपीज़। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू, द टोटल वैल्यू विथ GST। अब देखो यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों थोड़े थोड़े डिफरेंट है, तीनों थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही अलग है, मैं बताती हूँ कैसे। द टोटल वैल्यू विथ GST, अब यहाँ पे विथ GST का मतलब क्या है, एक रिमोट कंट्रोल कार है, एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसका प्राइस है रुपीज 1770, जिसका प्राइस है 1770। अब ये जो प्राइस है ना 1770, इसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी वैल्यू होता है वो, और साथ ही साथ GST दोनों ऐड है। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदोगे तो GST भरनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो वो टॉय कार का वैल्यू, वो टैक्सेबल वैल्यू जितना टॉय कार का है वो, और GST दोनों मिला के 1770 रुपीज़ है। ये कैसे पता चला मुझे, ये मुझे इस वर्ड से पता चला, और इस वर्ड से क्या बोला है, द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब है वो रिमोट कंट्रोल कार का प्राइस और साथ ही साथ GST दोनों मिलाकर प्राइस है वो टॉय कार का 1770। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू बोला था, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, वो रिस्ट वॉच का जो टैक्सेबल वैल्यू है ना वो 586 रुपीज़ है। टैक्सेबल वैल्यू, सिर्फ रिस्ट वॉच का टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586। GST एडेड नहीं था इसमें, इसमें GST ऐड नहीं था, इस वजह से हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अमाउंट ऑफ GST निकाला और टैक्सेबल वैल्यू दोनों को ऐड किया, फिर हम लोग ने प्राइस बताया विच इज टोटल वैल्यू। ये समझा, यहाँ पे GST हम लोग ने फाइंड किया, अमाउंट ऑफ GST और टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों को प्लस किया, फिर हम लोग को टोटल वैल्यू मिला। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी टोटल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल वैल्यू में क्या है, टोटल वैल्यू में है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ठीक है, फिर क्या बोला है, रेट ऑफ GST, इसमें GST का रेट कितना लगा है, 18% लगा है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, ये ना तीन मार्क, ये टू या थ्री मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन। इसमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने बोला है, CGST फाइंड करने बोला है, SGST फाइंड करने बोला है टॉय कार के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे CGST और SGST जो फाइंड करने बोला है, वो जो SGST और CGST बोला है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि अमाउंट फाइंड करना है कि रेट फाइंड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा सेफ साइड पे होना बेटर होता है, हमेशा अमाउंट और रेट दोनों फाइंड कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो बोला है कि अमाउंट फाइंड करने को, बट तुम लोग को डाउट है कि रेट बोला, अमाउंट बोला, दोनों फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पहला दिया हुआ था, हम लोग को फाइंड करना है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार क्या है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू, वो टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो मैंने उसको सपोज ₹X अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया है, अज्यूम किया कि वो ₹X का है। ठीक है, फिर हम लोग को रेट ऑफ GST भी दिया है, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST है 18%, कितना है 18%। ठीक है, फिर हम लोग को ये बताओ, हम लोग के पास टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय, अब ये टोटल वैल्यू ऑफ टॉय में क्या इंक्लूडेड है, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय इसमें क्या इंक्लूडेड है, टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कैसे बना, जब मैंने टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST को ऐड किया तब मुझे टोटल वैल्यू ऑफ टॉय मिला, करेक्ट। ये वाला इक्वेशन हम लोग को आगे काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझा। ठीक है, अब टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू X है, GST, यहाँ पे GST का मतलब है अमाउंट ऑफ GST, यहाँ पे मेंशन कर लो पूरा कि अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST हम लोग को नहीं पता, हम लोग को रेट ऑफ GST दिया, हम लोग को अमाउंट ऑफ GST फाइंड करना है। तो पहले अमाउंट ऑफ GST फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, अमाउंट ऑफ GST के लिए सबसे पहले हम लोग को रेट चाहिए, कितना रेट है 18% किसका 18% लेंगे हम लोग, हम लोग 18% लेंगे टैक्सेबल वैल्यू का। तो ये हो जाएगा 18x/100, ये हो जाएगा करेक्ट 18x/100। हम लोग के पास क्या टैक्सेबल वैल्यू है, हाँ है, एक्स है, क्या हम लोग के पास अमाउंट ऑफ GST है, हाँ है, 18x/100। टोटल वैल्यू ऑफ टॉयज है, वो पूरा टोटल वैल्यू, ये दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू कितना हुआ, टॉयज नहीं है, टॉय कितना हुआ पता है, हाँ पता है, 1770। अब ये इक्वेशन के तीनों चीज़ें पता है, अब हम लोग को इससे एक्स मिल सकता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टॉय कार था करेक्ट,
इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू को मैं टीवी लिख रही हूँ लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखना है ठीक है, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यही था करेक्ट। टोटल वैल्यू टैक्स, टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय कार, टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय कार कितना था 1770 ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू है एक्स प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी है 18x/100, ये अभी अभी हम लोग ने क्या किया फाइंड किया, अभी जस्ट फाइंड किया करेक्ट। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 100 जाएगा वहाँ पे, ये हो जाएगा 100x प्लस 18x, ये डिनोमिनेटर अलग अलग है ना तो मेरे को सेम करना है ठीक है। तो 100x प्लस 18x/100 ये होगा 1770 ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट 1770 इक्वल्स टू 100 प्लस 18x 118x/100 ठीक है, यहाँ तक समझा। आगे का सॉल्व करते हैं, आगे क्या है ये 100 देखो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर मैंने उसको भेजा तो वो 1770 के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है। 118 और x ये दोनों न्यूमरेटर में, तो मैं x को न्यूमरेटर में ही रहने देती हूँ और डिनोमिनेटर में इसको लेफ्ट साइड पे लूंगी तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर आएगा 1500 कितना मिलेगा मुझे, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 1500 ठीक है, मुझे 1500 मिल रहा है। एक्स कितना मिल रहा है 1500, मतलब मेरा टैक्सेबल वैल्यू कितना है, मेरा टैक्सेबल वैल्यू है 1500। देफो अभी देखो ये फाइंड करने बोला था ना, ये चीज़ फाइंड करने बोला था ना, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार अंडरलाइन कर लो पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर लो, कुछ भी करो लेकिन थोड़ा हाईलाइट करो। तो डेफो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज रुपीज, ठीक है रुपीज नहीं बोलना है, रुपीज 1500 ठीक है। यहाँ यही क्वेश्चन करके छोड़ना नहीं है, हम लोग आगे CGST और SGST फाइंड करने बोला है। क्या बोला है CGST और SGST, तो CGST और SGST फाइंड करने के लिए हम लोग को पास सबसे पहले GST होना चाहिए ठीक है। CGST और SGST फाइंड करने के लिए हम लोग के पास होना चाहिए GST ठीक है। मैंने क्या बोला था CGST और SGST हम लोग को अमाउंट फाइंड करने बोला है, क्या बोला है अमाउंट, तो पहले हम लोग अमाउंट ऑफ GST फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ GST जितना भी होगा उसका आधा CGST होगा और उसका अदर हाफ SGST होगा, इजी हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST था 18x/100 तो अमाउंट ऑफ GST इक्वल्स टू 18x/100। अभी x क्या है हम लोग का, हम लोग का x हम लोग को मिल चुका है, x से हम लोग का 1500, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग को करना है 15x18 मल्टीप्लाई, ये दोनों को 18 और 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है ₹270 ठीक है। मेरे पास अमाउंट ऑफ GST आ गया ठीक है, अमाउंट ऑफ GST, अब मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। CGST निकल गया तो SGST मिल जाएगा ठीक है, CGST और SGST सेम होते हैं ठीक है। सबसे पहले हम लोग को GST फाइंड किया, GST मिल गया, GST के हेल्प से अभी हम लोग SGST या CGST दोनों में से कोई एक फाइंड करेंगे। तो CGST अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST, GST का जितना भी अमाउंट होगा उसका हाफ क्या होगा CGST ठीक है। ये है 270, ये है हाफ ऑफ 270 कितना होगा, ये हो जाएगा 135 रुपीज, कितना हो जाएगा 135। अमाउंट ऑफ CGST अगर रुपीज 135 है तो अमाउंट ऑफ SGST कितना होगा सेम ठीक है। अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ CGST, therefore SGST इज इक्वल्स टू ₹135 ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट को लेके डिवाइड कर दिया, अमाउंट को लिया GST का अमाउंट निकाला और उसी को डिवाइड कर दिया CGST और SGST में, ऐसा किया तो भी चलेगा ठीक है। ऐसा ना करके GST का रेट ऑफ GST कितना था 18%, तो रेट ऑफ CGST कितना होगा 9%, तो 9% लेकर टैक्सेबल वैल्यू से तुम लोग अमाउंट ऑफ CGST फाइंड कर सकते थे। मेथड्स अलग है, मतलब मेथड्स कोई डिफरेंट नहीं है ठीक है। अगर तुम लोग अमाउंट को यूज़ ना करके रेट ऑफ CGST से निकाल सकते हो अमाउंट ऑफ GST तो चलेगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करोगे तो भी चलेगा, वैसा करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस ऐसे 6 सब क्वेश्चन देखे तुम लोग ऐसा लगेगा कि हार्ड है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है। तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टर्न टू अ कंपनी। तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉनिक है जिसने एक AC सप्लाई किया जो है 1.5 टर्न का ठीक है। ये हम लोग के जान मतलब ये हम लोग को इन्फॉर्मेटिव नहीं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाई, जो AC सप्लाई हुआ उसका कॉस्ट, उसका
कॉस्ट इज रुपीज 51,200, वो एसी का कॉस्ट कितना है 51,200। अब यहाँ पे विथ जीएसटी बोला, विथ जीएसटी, विथ जीएसटी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, एसी का टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी दोनों को मिलाकर, जब मैंने टैक्सेबल वैल्यू, एसी का टैक्सेबल वैल्यू और एसी का जीएसटी दोनों को मिला दिया तो मुझे 51,200 रुपीस मिला। ठीक है, तो एसी का कॉस्ट कितना हुआ 51,200 विद जीएसटी, मतलब इसमें टैक्सेबल वैल्यू भी है और जीएसटी भी है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन जैसा कुछ सिमिलर नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स सिमिलर है। ठीक है, रेट ऑफ सीजीएसटी, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए लूप में क्या बोला है, रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, जीएसटी नहीं दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है। ठीक है, सीजीएसटी अगर 14 है तो एसजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी अगर 14 है एसजीएसटी कितना होगा, ऑफकोर्स 14% होगा। अगर सीजीएसटी 14% एसजीएसटी 14% तो जीएसटी कितना होगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी होगा 28%, करेक्ट। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट, पहला सबसे इजी फाइंड करने बोला रेट ऑफ एसजीएसटी निकालो, रेट ऑफ एसजीएसटी क्या है वो फाइंड करने बोला, कितना अभी हम लोग ने बोला कि 14 ही होगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। फिर बोला रेट ऑफ जीएसटी निकालना, रेट ऑफ जीएसटी ये अब भी फाइंड किया हम लोग ने, सीजीएसटी 14 है एसजीएसटी 14 है तो जीएसटी कितना होगा 14+14 विच इज 28%। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, यहां से हम लोग का क्वेश्चन एक्चुअल स्टार्ट होता है, क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। अब ये जो नंबर दिया है 51,200, ये जो नंबर दिया है 51,200, इसमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी है, एसी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी बेचने वाले थे वो प्राइस, और साथ ही साथ ही जीएसटी दोनों मिला हुआ है, करेक्ट, ये प्राइस में दोनों मिला हुआ है। तो हम लोग को फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, सिर्फ एसी का टैक्स को हटा दिया जाए, अगर टैक्स को मैं हटा दूं तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, तो अगर मैं टैक्स को हटा दूं तो कितना अमाउंट एसी का है वो फाइंड करना है, जो अभी हम लोग ने फाइंड किया ऊपर एक्स फाइंड किया ना वाई, ये सेम सिनेरियो है। फिर फोर्थ फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है, फिर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और फिर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यही सेम चीज़ें तो ऊपर हम लोग ने फाइंड किया, सेम चीज़ें फाइंड किया, बिल्कुल टफ नहीं पड़ा, तो यहाँ पे भी टफ नहीं पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़े से डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग को 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो इस वजह से मैं इसको लाइन वाइज नहीं करूँगी, जैसे कि रेट ऑफ एसजीएसटी मांगा, रेट ऑफ एसजीएसटी, तो सबसे पहले रेट ऑफ एसजीएसटी निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वाइज करेंगे, नंबर वाइज सॉल्व करेंगे। तो रेट ऑफ एसजीएसटी ये फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है, वी नो दैट rate of CGST is equal to rate of SGST. CGST किसको equal रहता है? SGST को. Therefore, CGST is equals to कितना है CGST? CGST का rate of CGST दिया है 14%. कितना दिया है? 14%. CGST अगर 14% है तो rate of CGST, rate of SGST कितना होगा? Rate of SGST is also 14%, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बताना है, ये 1 मार्क्स का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, रेट ऑफ जीएसटी पूछा है, जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, जब मैं रेट ऑफ सीजीएसटी को और एसजीएसटी को दोनों को प्लस करूंगी, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों को अगर मैं क्या करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी कितना है, अभी सीजीएसटी दिया हुआ है 14%, एसजीएसटी अभी फाइंड किया वो भी है 14%, दोनों को मिला के हो गया 28%, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%, लिखना ही है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोला है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू को मैं लिख रही हूँ टीवी, ठीक है, टीवी टैक्सेबल वैल्यू, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स, कितना रुपीज है, एक्स रुपीज है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स रुपीज है, ठीक है। हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया है टोटल वैल्यू, हम लोग को दिया है टोटल वैल्यू ऑफ एसी equals to rupees 51,200, कितना दिया है, 51,200 टोटल वैल्यू ऑफ एसी दिया है ना, 51,200। अब हम लोग को पता है कि टोटल वैल्यू में क्या इंक्लूडेड है, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी दोनों को प्लस करके ये अमाउंट मिला हम लोग को, करेक्ट।
तो हम लोग अभी यही फॉर्मूले में जैसे थर्ड सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया सेम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना परसेंट है? 28%। तो 28 अपॉन 100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है मेरा एक्स, तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 100। अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया, टोटल वैल्यू मिल गया हम लोग को, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू भी हम लोग ने अज्यूम कर लिया, अमाउंट ऑफ जीएसटी भी अज्यूम कर लिया। अब सेम हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरह एक्स मतलब टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यही होता है करेक्ट, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू है 51,200, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू है एक्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी 28x अपॉन 100। ये एक्स उधर जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 28x अपॉन 100। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 128x अपॉन 100 और ये रहेगा 51,200, ठीक है। ये नहीं लिखते, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या मिला? 51,200 इक्वल्स टू 128x अपॉन 100, यही मिला करेक्ट, यही मिला ना। 51,200 इज इक्वल्स टू 128x अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x मिल जाएगा। ये 100 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 128 राइट लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51,200 इंटू 100, ये डिवाइड हो जाएगा 128 इज इक्वल्स टू एक्स। अब तुम लोग थोड़े ये चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना सीख जाओ कि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे डिवाइड होगा। ये अभी थोड़ा अभी भी तुम लोग अगर फास्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होने वाला आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ पर और इसको थोड़ा फास्ट शो करो। ये डिवाइड, ये नीचे डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड में जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। ये चीज़ों को दिमाग में बैठाना है और फटफट सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो x का वैल्यू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 40,000। मुझे कितना मिला? 40,000, ठीक है। खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे x मिला 40,000। तो x क्या था मेरा? टैक्सेबल वैल्यू। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज रुपीज़। कितना मिला? रुपीज़, एसी का टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला? 40,000, ठीक है। ईजी, यहाँ तक हम लोग ने सिर्फ थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी सॉल्व करना है। फोर्थ क्या फाइंड करना है? फोर्थ फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो फोर्थ वाला भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ है अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए मुझे रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू करना पड़ेगा। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, ऐसा लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी है मेरा 28%, तो 28 अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया, वो है 40,000, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4400 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा हम लोग को 11,200। कितना आएगा? 11,200। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला मुझे? रुपीज 11,200, ठीक है। अभी मेरे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200 है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन दिया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालो, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन बोला अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालो। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा? फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पे मैं कर लेती हूँ। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा? हाफ ऑफ जीएसटी, करेक्ट, हाफ ऑफ जीएसटी होगा, हाफ ऑफ जीएसटी होगा, करेक्ट। तो हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना है? 11,200, 11,200 का हाफ, तो 11,200 का हाफ हो जाएगा 5,600, ठीक है। सेम हम लोगों को फिर से पूछा है, क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी हम लोग सेम फाइंड करेंगे, हाफ इंटू जीएसटी, यही फॉर्मूला होता है ना। एसजीएसटी कितना होगा? जीएसटी का आधा, तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना होगा? हाफ इंटू 11,200, विच इज 5,600 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे रुपीज का साइन डालना है। हो गया सिक्स क्वेश्चन, छह सब क्वेश्चन भले ही थे लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपली एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता गया, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन, प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट है नहीं, ठीक है।
फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चंस को ऐसे सिर्फ मैथ्स समझ के सॉल्व नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकली समझना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट ऐड करो एक्स्ट्रा, समझना है प्रैक्टिकली फिर उसको सॉल्व करना है. तो डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000. रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%. फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST. अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है? द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000. अब ये लाइन का मतलब समझो. प्रसाद गया महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में और एक वॉशिंग मशीन पसंद किया, ठीक है? अब जब उसने पूछा कि वॉशिंग मशीन कितने का है, ठीक है, तो वो शॉपकीपर ने बोला कि ये 40,000 रुपीज़ का है. कितने रुपीज़ का है? 40,000 का है. तो प्रसाद ने एज यूजुअल बोला कि हम लोग पुराने कस्टमर हैं, हम लोग आपसे ही लेते हैं, ठीक है? ऐसे सब उसने सुनाया. ऐसे सब उसने जब बोला तो सपोज महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाले ने बोला कि चलो ठीक है, जितना भी 40,000 का है ना, 5% का डिस्काउंट ले लो. कितना परसेंट का डिस्काउंट ले लो? 5% का डिस्काउंट ले लो. मतलब उसने क्या किया, उसने 40,000 पे 5% का डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट दिया मतलब क्या किया, 5% का पैसा कट किया, ठीक है? 40,000 का 5% जितना भी अमाउंट होगा उसको वो माइनस करके खरीदेगा, ठीक है? 40,000 का वॉशिंग मशीन था, 40,000 का वॉशिंग मशीन था, 40,000 से 5% जितना भी अमाउंट होगा उसको वो माइनस करके ही देगा ना. जैसे कि अगर तुम लोग ने 100 रुपीज़ का कुछ खरीदा और आप बोल रहे हो कि 10 बोल रहे हो कि कुछ डिस्काउंट दो, ठीक है? शॉपकीपर को आप बोल रहे हो कि कुछ डिस्काउंट दो. कितने का खरीदा? 100 रुपीज़ का खरीदा और डिस्काउंट मांग रहे हो, कुछ डिस्काउंट दे दो, ठीक है? वो बोला चलो ठीक है 10 रुपये का डिस्काउंट दिया. तो क्या करोगे आप, 100 में से 10 रुपीज़ डिस्काउंट काटोगे और जो अमाउंट बचा वो दे दोगे. 100 में से 10 काटोगे तो 90 बचेगा, तो 90 आप शॉपकीपर को दे दोगे, ठीक है? यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली ऐसा बोला था कि 10 रुपये काटो, ठीक है, 10 रुपीज़ माइनस करने बोला था, अमाउंट बोला था. यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में दिया, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में दिया. तो हम लोग को ये इसको पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? इसका जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आएगा उसको मैं 40,000 से माइनस करूंगी. जब मैं ये डिस्काउंट के अमाउंट को 40,000 से माइनस करूंगी तो मुझे जो प्राइस मिलेगा वो होगा, वो क्या होगा, वो प्राइस होगा वॉशिंग मशीन का, वो प्राइस होगा वॉशिंग मशीन का टैक्सेबल वैल्यू, वो प्राइस होगा वॉशिंग मशीन का टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है? टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को किसके बाद, 40,000 को माइनस करने पर 5% के, ठीक है, हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा. फिर रेट ऑफ GST चार्ज. अब इसके बाद ना GST भी चार्ज हुआ, टैक्स पे करना पड़ेगा, करेक्ट? तो GST चार्ज हुआ 28%. अच्छा, यहाँ तक अभी तक तुम लोग देख रहे थे मेंशन हो रहा था कि विद GST टोटल वैल्यू ऐसा सब मेंशन हो रहा था. इसका मतलब क्या था, GST इसके साथ इंक्लूडेड था. लेकिन यहाँ पे क्या कोई अमाउंट 40,000 के साथ लिखा है विद GST या टोटल वैल्यू? नहीं लिखा है. मतलब इसके साथ GST इंक्लूड नहीं है, हम लोग को GST इसके ऊपर लगाना है, ठीक है? ये तो सिर्फ प्रिंटेड प्राइस है, सिर्फ प्रिंटेड प्राइस 40,000 है, इस पर GST लगेगा. तो GST चार्ज कितना था, 28% का, ठीक है? फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने बोला कि 40,000 रुपीज़ का प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है? अब उस पर 5% का डिस्काउंट दिया, उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 5% का. तो जब मैं डिस्काउंट को काटूंगी 40,000 से, सो जो प्राइस मुझे मिलेगा वो मेरा होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन मुझे मिलेगा. फिर वो टैक्सेबल वैल्यू पे मुझे GST ऐड करना पड़ता है, ठीक है? कोई सामान को बेचने के लिए मुझे टैक्सेबल वैल्यू पे क्या ऐड करना पड़ता है, GST. जब मैं टैक्सेबल वैल्यू और GST दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. तो यहाँ पे GST चार्ज वॉज 28% था. फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. तो यहाँ पे बोला है प्रसाद ने सोचो कितने में खरीदा होगा वॉशिंग मशीन, कितने में प्रसाद ने वॉशिंग मशीन खरीदा होगा ये पूछा है. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है? तो परचेज प्राइस फाइंड करना है. परचेज प्राइस कितना होगा, GST अमाउंट ऑफ GST प्लस टैक्सेबल वैल्यू, यही होगा ना परचेज प्राइस. प्रसाद ने GST पे किया होगा और टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है? सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले क्या दिया हम लोग को, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है? प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा और उसका प्रिंटेड प्राइस, ठीक है? प्रिंटेड प्राइस कितना है, प्रिंटेड प्राइस है ₹40,000, ठीक है? प्रिंटेड प्राइस है 40,000, ठीक है? लेकिन वो प्रिंटेड प्राइस पे प्रसाद को डिस्काउंट मिला. क्या मिला, डिस्काउंट मिला. डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला 5% का. कितने का डिस्काउंट मिला, 5% का. मतलब वॉशिंग मशीन का प्रिंटेड प्राइस तो 40,000 था, ठीक है? लेकिन जब उसने शॉपकीपर को बोला तो शॉपकीपर ने बोला चलो ठीक है 5% का डिस्काउंट. तो मुझे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5%, करेक्ट, ऑफ
किसका 5% लेने बोला, किसका 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ये अमाउंट का ना, तो इक्वल इनटू 40,000, ठीक है, ये हो जाएगा 0,0 कैंसिल, 5 4 20 और 2 0 विच इज 2,000, तो उसको कितने का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने, जो प्रसाद को कितने का डिस्काउंट दिया, 2,000 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, अगर 2,000 का डिस्काउंट दिया, प्रिंटेड प्राइस 40,000 था और 2,000 का उस पर डिस्काउंट दिया, तो उसका एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू होगा 40,000 माइनस 2,000 विच इज 38,000, ये क्या होगा, ये होगा टैक्सेबल वैल्यू, ये क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ तक समझा, करेक्ट, ठीक है। फिर बोला रेट ऑफ जीएसटी दिया, क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, रेट ऑफ जीएसटी दिया 28%, कितना दिया 28%, ठीक है। अब मुझे टैक्सेबल वैल्यू नहीं पूछा है क्वेश्चन में, मुझे टैक्सेबल वैल्यू नहीं पूछा है, मुझे पूछा है कि प्रशांत कितना पैसा देगा शॉपकीपर को वो वॉशिंग मशीन को लेने के लिए, तो उसमें क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू तो देगा ही वो वॉशिंग मशीन का, साथ ही साथ जीएसटी भी तो देगा, टैक्सेबल वैल्यू तो देगा साथ ही साथ क्या देगा, जीएसटी भी देगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हम लोग अभी निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए 28% इंटू किसको, अब जीएसटी किस पे दे रहा है, ये प्राइस पे दे रहा है ना, 38,000 पे ना, तो 38,000, ठीक है, तो 28% ऑफ 38,000, ये जीरो कैंसिल, 380 इंटू 28, अगर मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 10,640 रुपीज़, कितना मिलेगा रुपीज़, 10,640, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया, फिर बता रही हूँ, फिर भी आपको श्योर नहीं है तो आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 28 इंटू 380 मिला मुझे 10,640, अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया मुझे, क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ कि परचेजिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का परचेजिंग प्राइस कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, यही होगा ना, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, यही होगा, करेक्ट, टैक्सेबल वैल्यू है मेरे पास कितना है, 38,000 प्लस जीएसटी भी है 10,640, ये दोनों को प्लस करके मुझे मिलेगा 48,640 रुपीज़, कितना मिलेगा 48,640 रुपीज़, मतलब वॉशिंग मशीन को प्रसाद ने कितने में खरीदा, प्रसाद ने वॉशिंग मशीन को खरीदा है 48,640 रुपीज़ में, ठीक है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक हम लोग ने लगभग सभी फाइंड कर लिया, परचेजिंग प्राइस फाइंड करना था, हम लोग ने परचेजिंग प्राइस फाइंड कर दिया। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तो बहुत ही ईजी है, क्या फाइंड करने बोला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी का अमाउंट कितना होगा, हाफ ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितना है, हाफ ऑफ जीएसटी कितना है, जीएसटी का अमाउंट मिला था हम लोग को 10,640, कितना मिला था, 10,640, ठीक है, तो अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मुझे समथिंग आई गेस 5,320 रुपीज़ मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे कितना मिलेगा, 5,320 रुपीज़ मिलेगा जब मैं 10,640 का हाफ करूँगी, हाफ मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सीजीएसटी निकालना था, ठीक है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, ठीक है, ये जीएसटी का आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट का भी निकालना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, हाफ ऑफ जीएसटी, सेम आधा अमाउंट जीएसटी का सेंट्रल को गया तो आधा किसको गया, जाएगा स्टेट को, ठीक है, तो हाफ ऑफ 10,640 ये कितना मिलेगा रुपीज, 5,320 रुपीज, ठीक है, लास्ट को एक साथ ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर द परचेजिंग प्राइस, ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर द परचेजिंग प्राइस, ठीक है, परचेजिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ये पूरा लिखना है, वॉशिंग मशीन इज रुपीज 48,640, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज रुपीज 5,320, सेम एसजीएसटी का भी लिख लो, एसजीएसटी इज रुपीज 5,320, ठीक है, ये लास्ट में जो अगर तीन चार चीज़ें क्वेश्चन में दिया है और बोला है फाइंड करो तीन चार चीज़ें, तो एक काम किया करो, लास्ट में तीनों या चारों चीज़ों को एक साथ लिख के उसके अमाउंट को ऐसा अंडरलाइन कर लो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो गया।